हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट व्लॉग में हमने जो है दर्शन किए थे गणेश टोक के, और गणेश टोक के दर्शन करने के बाद जो है ना हमारा अचानक से प्लान बना हिमालयन जूलॉजिकल पार्क घूमने का। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग और देखते हैं कि जो हमारी जूलॉजिकल पार्क की जर्नी है वो कैसी रहती है और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है अंदर। तो ये है हनुमान टोक का रास्ता और सीधे उसके अपोजिट साइड है जू। तो ये है गणेश टोक का रास्ता और उसके जस्ट अपोजिट है जू। इतना डरा रही है ना ये मम्मी, सभी मार देती मुझे। तो यहाँ पे 25 रुपीज पर पर्सन टिकट है और गाड़ी की पार्किंग अलग से। तो टिकट कटवा लिया है। यहाँ पे ना डिफेंस की गाड़ी का वैसे पार्किंग नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सारा है पार्किंग का। अगर आपकी बड़ी गाड़ी है तो आपके होंगे 100 रुपीज़ और 25 रुपीज़ पर पर्सन जू का टिकट है, एंट्री टिकट। तो वो बाहर पे ही कट हो जाता है, उसके बाद ही आपको अंदर आने देते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं। ये याक भी बने हुए हैं यहाँ पे, बेचारों में घास भी उग गई है। तो जो ये पार्क का एरिया था ना, ये बहुत बड़ा था, तो हम लोग अंदर भी पूरा गाड़ी लेके जा रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए अंदर गाड़ी की पार्किंग मांग रखी है उन लोगों ने, क्योंकि पूरा जंगल घूमना है और पैदल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इस वजह से हम लोग पूरा जंगल अब घूम रहे हैं, और जहाँ जहाँ स्पॉट्स बने हुए थे कि जैसे कहीं पर भालू का है तो वहाँ पर एरो लग के भालू के लिए लिखा था कि यहाँ पर दिखेगा आपको टाइगर का और ये सारी चीज़ें, मतलब। तो बीच बीच में गाड़ी रोक के देखना था। तो इन्जॉय करिए हमारे साथ इस जंगल का व्यू, और आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, तो व्लॉग के साथ बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। ब्लैक बेयर भालू है, भालू उधर से निकलेंगे ना। अच्छा, इधर यहीं रुके फिर, दिखा नहीं है, भालू है बोल रहे हैं। हमारा उत्तम साइड में भालू भालू देखेंगे, भालू लिखा है उसमें हिमालयन बियर करके। अच्छा, मैं भी दिख रहा है, मम्मी खुश होगी, दिख रहा है बोल। तो भैया बोल रहे कि यहाँ पे ना ऐसे नहीं है कि तुमको पिंजरे के अंदर जानवर मिलेंगे और तुम बाहर से देखोगे उनको। यहाँ पे गाड़ी रोक रोक के बोर्ड लगे हुए हैं, तो तुमको खुद ही जाके देखना पड़ेगा, और पूरी जाली वाली लगा के वो कर रखा है ना, हिमालयन ब्लैक बेयर। तो यहाँ से है रास्ता, ये देखो कितना घना जंगल लग रहा है एकदम, और यहाँ पे दिख सकता है, चांसेस हैं, तो हम इधर को जा रहे हैं अब। चलो है ना, मेरी बनाना है। मम्मी की में डाल दो ना। अब हमारा ऑन हो गया 360। ये कितना घना जंगल लग रहा है, इतना मज़ेदार एकदम। वाह, कहीं भालू हमें छुप के देख रहा होगा। तो आए तो है ये, आए हैं भाई, आए हैं, बहुत लोग आए हैं, आगे से आवाज आ रही है, हालन लड़ जाएंगे साले साले। अगर दिखेगा तो आपको दिखाऊंगी। तो अभी जो लोग मिले थे हमको थोड़ी देर पहले, वो कह रहे कुछ नहीं है आगे, सब बंद पड़ा है, हम लोग फ्लॉप होके आ गए। तो हमने कहा हम भी फ्लॉप होने चले जाते, तो हम आ गए। यहाँ पे ना ऐसे व्यू पॉइंट बना हुआ है, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा बैड लक व्यू तो दिखेगा नहीं,
क्योंकि सारा जो है वो है कोहरा लगा हुआ है आज। भालू होगा इसमें कहीं। हाँ यहाँ से देखना होगा ना। वैसे ओ अब वो छुपा होगा कहीं। वैसे तो आएगा थोड़ी ना वो, उसके पानी के लिए बनाया नीचे। अब दिखेगा दिखेगा नहीं, वो है तो यही हो इसी एरिया में है भालू। ज्यादा ना आंखों के टेस्ट हो रहा है कि तुम खुद ढूंढो कहाँ पे है भालू। आवाज लगाओ क्या बता आ जाओ। इसमें ये उधर ही होगा, वो छुपा हुआ, ठंड लगी होगी। तो ये अंकल बुला रहे हैं इनको। आयो कुदर अभी वो इधर आ गया। हाय अपने मालिक की आवाज पहचान ली उन्होंने। कितने सारे पोटी कर रहा हो पोटी कर दी उसने। देख रहे खाने के लिए देख रहे इधर भी है। और ये तो कुत्ता भी कितना इनोसेंट है, जा भी नहीं रहे उसको आदत होगी होगी ना। कुत्ती भी लगन सा हो गया, वो कह रहे बुला दिया लेकिन अब दे नहीं रहे कुछ, चले गए उदास होके। ओ कितने प्यार से देख रहे हो। वो देख रहे रेलिंग से। हाय सिबो वो बेचारे को भूख लगी है, वो तीन जितनी बार अंकल जा रहे हैं इधर उधर उतनी बार देख रहा है। नहीं शायद खाते हैं ना भालू। देखो कैसे देखे उनको पता है। तो अब वो जाल रहे शहद हनी। मैं देखो दोनों चले गए। तू इधर आवल। देखो अब भालू आए तो मौसम भी एकदम साफ हो गया है। इसको भी इसके साथ ट्रेनिंग मिली होगी। कितना कहना मान रहा है। देखो जहाँ जहाँ अंकल जा रहे हैं वहाँ पीछे पीछे जा रहा है वो, चाटने लग गए। देख भी रहा हमको क्या ये साले क्यों देखे यहाँ से। देखो भीड़। तू यहाँ क्या कर रहा है? हमको शहद मिल गया जाओ। चलो। तो ये अंकल आए, इन्होंने बुलाया उनको, अब हम जाने लग गए। तो सुंदर लग रहा है भालू, हमारा भालू देख रहा है। तो काली आ जा। आएगा ना मम्मी फिर कहोगे आप। इनसे इनसे बड़ा है वो इस साइड वाला। अच्छा दिख रहा है। हाँ वो दादा होगा ना इसलिए उसको अलग रखा है, रेलिंग के पीछे छुपा हुआ है। ये एरिया वैसे काफी बड़ा होगा तब तो गाड़ी से ही पूरा। ये देखो यहाँ भी है कुछ। ये हाँ ये ऊपर को बना रखा है एरो ना। रास्ता तो है नहीं यहाँ से। ये है ना ये कच्चे वाले जो होते हैं ऐसे में कौन जाएगा। अरे मतलब पहले बने होंगे ना। हाँ अभी है सीढ़ियाँ तो है। रहन दो जोक लगी। जूते भी नहीं पहने आज।
बहुत लाल तो नहीं है ये। लेकिन लाल मिट्टी है जो नाला शेल जाग से बारिश होती रहती है और बारिश आ तो नहीं। हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन यहाँ ब्लू शीप ओ भेड़ दिखेगी यहाँ नीली भेड़ इस चढ़ाई में इनको बोलो हम पीछे। तो हम नेक्स्ट है ब्लू शीप का। यहाँ से ऊपर को सीढ़ियाँ गई हैं उधर को, अब देखते हैं वहाँ पे मिलता है नहीं मिलता है। आराम से आना हाँ। देखो जैसे प्रॉपर रास्ता बनाया ना वैसा नहीं था उन दो रास्तों में। हाँ तो बता तो रहे इसी वाला पहले था यहाँ अब नहीं है। सब काटेंगे मम्मी कितना सादा बांस लगाए इधर ब्लू शीप ये एक बनी है ये अच्छा ऐसे होते हैं भेड़िए नहीं भेड़ सॉरी भेड़िए कह रही हूँ अरे भेड़ की जगह निकल गया। तो अब देखेंगे हम ब्लू शीप। ब्लू शीप शॉर्टकट वाला छोड़ दिया हमने। क्या हुआ खत्म हो गया क्या रास्ता क्या कह रहे हैं ओ माय गॉड। अच्छा इसको अंदर रखा हुआ है दिखाती हूँ। काफी छोटा सा है। हेलो हेलो बेबी कितने प्यार से देखा है वो ब्लू शीप। देखने के बाद अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिखता है। बर्ड्स अच्छा ये पूरा अंदर बना रखा है ना खुले में। अब आया इलाका चिड़ियाओं का ये इनके लिए ना ऐसे बना हुआ है इनके लिए ओपन नहीं है। ओ मोर मोर ने पंख फैला दिए वो आए कितना सुंदर। इसमें तो आ ही नहीं रहे मेरे में ओ ले ले हाय हेलो नहीं दिखेगा जाल से शीशे से ही दिख रहा है। हेलो इसने मेरे आने की खुशी में पंख फैला के स्वागत करा मेरा। हेलो मोर मैं मोरनी वो नाच रहा है ना ऐसे ऐसे बारिश में नाचते हैं बोलते ना ऐसे। मुझे अपने फोन से करो ना मेरे से साफ नहीं आ रहा एक बार ट्राई करो।
दिखने के लिए आ गया खुद ही, ये फोटोजेनिक फेस होगा ना इसका। कुछ नहीं लाए हैं हम, कुछ नहीं लाए, हम फोटो खींचने आए। पूंछ देखो उसकी, ये कहाँ दिख रही है, आंखों से ही दिख रही है बस। ये जूम तो करना ही पड़ेगा। हाय तो बहुत टूटे हैं इसलिए नहीं नाचे। तो मतलब हम जाएंगे कैसे फिर, ऐसे जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे जाएंगे ना। आप ऐसे जाओ, सीधा जाओ, रोड रोड। हाँ जी, एक मिनट कैसे रख जाती है इधर से जाके फिर नीचे। अच्छा, उस पर आपको लेपर्ड निकलेगा, परंतु लेपर्ड नहीं भी चढ़ोगे इस समय छत पर बैठा हुआ, और ये सीधा ही निकल जाएगा। सीधा निकल के लेपर देख के राइट हैंड साइड से एक सीढ़ियाँ छोड़ के दूसरी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ जाना, रेड पांडा आ जाएगा, नहीं तो बहुत चक्कर लगेगा। अच्छा, बस सीढ़ियाँ चढ़ जाना। अब दिखेगा, ओहो हो, चटक लियोपार्ड। हाँ फिर कितना परेशानी होती है उनको, इतना हल्ला गुल्ला ये वो, उधर को मुंह करके है भी। पेड़ में चढ़े हुए तो छोटे लग रहे हैं, ये बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे ही बहुत बड़े होते हैं। तो रेड पांडा तीनों खेल रहे हैं आलसी कहीं के। ओ, ओ नीचे आ रहा है, एक वीडियो में ना उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। गुवेड़ 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 हमारे यहाँ गुवेड़। ओ भाई ये तो कितने सारे किसकी ये तो ऊपर चढ़ा है खाने के लिए। हां बकरी जैसे दिख रहे हैं ये देखो, इनके लिए एक्टिविटीज भी रखी है इधर। वो देखो बैलेंस देखो उसका चलने के लिए। जा जा बोल नीचे जा। ए यो अस्त तिरवन हुन्छ नि नि राख्नु। ए यो इत्र जग्गा भए उसँग छ हाम्रो सन्देश। तो ये है यहाँ का व्यू पॉइंट, यहाँ शायद टॉप से व्यू दिखेगा, बाकी पहुँच के बताती हूँ। तो ये है यहाँ का व्यू पॉइंट, लेकिन हमें कुछ दिख ही नहीं रहा कोहरे की वजह से।
स्नेक प्लांट नाग नागफन देखो, ये देखो पूरा नाग जैसा वहाँ देखो, ये बहुत लगे हैं यहाँ पर तो सीधा है ना, वरना ऐसे ऐसे उगा होता है वहाँ ना नाथुला में, नीचे हैं ऐसे हैं बिल्कुल फनी जैसे। उधर भी मैंने देखे बहुत सारे। ये क्या है? ये भी है एक। इतनी बंदिश तो करी और कितनी करेंगे। वो कितना प्यारा बनाया उनके लिए वो मम्मी के साथ, उसके ऊपर सोते होंगे ना लकड़ी जैसा है वो। हाँ स्विमिंग पूल उस वो बहुत सी कार मिलने रोने लग गया हो, डर लग गई पापा बोल डर लग गयो कह रहा वो। ये खतरनाक लग रहा लेकिन है, मुझे भी लग रही डर इसको देख। ये उड़ गया भाई, एक और है वो, नहीं फीमेल तो नहीं है वो, उतना बड़ा है वो। ये वो ये अब बैठ गई है, वो कर रहा है वो खाना पचा रहा है और ये खाने की तलाश में है। रो रहा है उसको देख के मुझे मम्मी और कहोगे मम्मी शेर देखना है। हाँ हाँ वॉक कर रहा है ये, वो देखो देखा मम्मी, वो भी अपने आप को फिट रखते हैं। तू देख आओ